विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बनाए गए हैं। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से विधायक हैं। उनके नाम का प्रस्ताव विजय रूपाणी ने रखा था। भूपेंद्र पटेल 2017 में पहली बार विधायक बने थे। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, डिप्टी सीएम नितिन पटेल, सीआर पाटिल और गोवर्धन झड़फिया भी थे, लेकिन गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में फाइनल मुहर भूपेंद्र पटेल के नाम पर लगी। नए सीएम की घोषणा के बाद विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी ने केवल सीएम बदला है, लेकिन गुजरात की जनता ने अब सत्ता बदलना का मन बना लिया है। हार्दिक पटेल ने आगे कहा, मुख्यमंत्री रूपाणी को बदलने का प्रमुख कारण अगस्त में आरएसएस और भाजपा का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस के 43% वोट और 96 से 100 सीट, भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आपको 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीट मिल रही थी। भूपेंद्र पटेल की अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि 2017 का विधानसभा चुनाव है। यहां पर उन्होंने घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1,17,000 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी। उनसे पहले यह सीट गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पास हुआ करती थी। बताया जाता है कि आनंदीबेन पटेल का करीबी होना उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए दिसंबर 2022 में चुनाव होने हैं। रूपाणी कोरोना वायरस महामारी के दौरान भाजपा शासित राज्यों में पद छोड़ने वाले चौथे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दिसंबर 2017 में मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी पारी के लिए पद की शपथ ली थी। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात और उन्हें इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद पत्रकारों से कहा, मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे 5 साल तक राज्य की सेवा करने का मौका दिया गया। मैंने राज्य के विकास में योगदान दिया। मेरी पार्टी जो कहेगी आगे मैं वही करूंगा। रूपाणी सबसे पहले आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद 7 अगस्त 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और वह 2017 विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद पद पर बने रहे।